हेलो फ्रेंड्स, संदीप आर्ट वर्ल्ड में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिका विस्टा की टाइमिंग। इंडिका विस्टा फिएट पुंटो सेमी इंजन है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट ये था कि गाड़ी 40 के ऊपर पिकअप बनाती नहीं थी। पिकअप नहीं बनाने का रीज़न ये है कि इसका टाइमिंग रॉन्ग हो गया था। स्कैन करने के बाद इसमें P0016 का कोड आया। उस कोड का मतलब ये है कि इसका केम का पोजीशन रॉन्ग है। केम का पोजीशन रॉन्ग होने का रीज़न ये है कि इसका टाइमिंग बेल्ट पूरी तरह घिस चुका था, जिसकी वजह से ये केम अपनी जगह से जंप हो गया था, घूम गया था। इसमें टोटल 3 गरारी आती है। ये बड़ी गरारी है, ये छोटी वाली गरारी है, और इसी के नीचे ठीक एक और गरारी है। इसके नीचे टोटल 3 गरारी आती है। तो हमें ये बड़ी वाली गरारी को हल्का क्रॉस में रखना है, और ये छोटी वाली गरारी के सीट पे एक ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड से इसकी टाइमिंग मिलानी है। ये ब्लेड प्रॉपर इसमें आना चाहिए। ये ब्लेड प्रॉपर इसमें आया, ये देखो, इसको बिल्कुल टच होना चाहिए। ये पॉइंट इसमें टच होना चाहिए। ये रहा आपका कैम का टाइमिंग हो गया। 2 नंबर वाल फायरिंग पे होना चाहिए, फायरिंग पोजीशन पे। और इसी तरह आपको क्रैंक की टाइमिंग बताने वाला हूँ। ये रहा क्रैंक की टाइमिंग। ये एरो दिख रहा होगा आपको, ये एरो, ये कोने पे होना चाहिए, बिल्कुल ये कोने पे। इसको नहीं समझ में आता है तो इसको ब्लेड से आप मिला सकते हैं। मैं एक मिनट मिला के दिखाता हूँ। ये ब्लेड पे, ये ब्लेड बिल्कुल सीट पे होना चाहिए, ये एरो के। जब जाके ये पिस्टन TDC पोजीशन पे आता है। तो ये रहा क्रैंक की टाइमिंग। अब हम आपको बेल्ट इंस्टॉल करने के बाद पूरी वीडियो दिखाएंगे और इसकी टाइमिंग एक बार और आपको बताएंगे।